हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीमा मिश्रा आप सबका अपने चैनल सीमा की डायरी एंड ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं आलू का पापड़। ना हमें उबालना, ना बेलने का झंझट, ना फटने का झंझट। फटाफट से 5 से 10 मिनट में बन करके तैयार हो जाएगा आलू का पापड़। यहाँ पर हमने आलू ले लिया है। तो देख रहे फ्रेंड्स, ये आलू हमारी छोटी छोटी हैं, इसीलिए 4 हैं। नहीं वैसे 2 आलू में भी आप बना सकते हैं 100 पापड़ के लगभग। तो यहाँ पर देखिए, हमने आलू को छील लेना है अच्छे से। तो छील करके इसको हमें आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। आलू को हमें पानी में ही काटना है, अलग नहीं काटना है, क्योंकि काटने के बाद आलू काली पड़ जाती है। तो इसीलिए जब भी वे पापड़ बनाएं तो आलू को पानी में ही काट करके रखें। पानी में काटने से क्या होगा कि इसका जो स्टार्च होगा वो निकल जाएगा, और इसीलिए हमें छोटे छोटे टुकड़ों में भी काटना है। आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए काट लिया, और इसे हमें 4 से 5 पानी काटने के बाद अच्छे से धुलना है। जब तक इसका पानी एकदम से साफ ना हो जाए तब तक हमें ये अपना आलू को धुलना है। तो फ्रेंड्स, होली आ रही है, होली स्पेशल बढ़िया बनाइए ये पापड़ और सबको खिलाइए। तो यहाँ पर अब हमने ले लिया मिक्सर जार, और इसी में हम ये कटे हुए आलू को डाल देंगे। और कटे हुए आलू को डालने के बाद हम इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल के लिए न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये देखिए, हमारे आलू का पेस्ट अच्छे से बन गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक अलग कटोरी में, बाउल में, जिसमें भी आप निकालना चाहें तो उसमें हम इसको अलग से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आलू का पापड़ आप किस तरह से बनाते हैं कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने पेस्ट को निकाल लिया, और फिर से बचे हुए आलू को हम डाल करके अच्छा सा पेस्ट इसका भी बना लेंगे। ये देखिए, इसका भी हमने पेस्ट बना लिया है, और इसको भी हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स, आप इसको 2 तरह से छान सकते हैं। एक तो हमने चाय छानने वाली छन्नी लिया है, आप इससे भी छान सकते हैं, लेकिन इससे छानने में बहुत टाइम लगता है। और दूसरा भी हम बताएंगे कि हम किससे छानेंगे, फटाफट से जिससे छान जाएगा। तो ये देखिए, इससे छानने में कितना टाइम लगता है, छोटी सी छन्नी रहती है। या तो आप बड़ी वाली छन्नी से छान सकते हैं, जिससे हम दूध छानते हैं उससे छान सकते हैं। और नहीं तो आप अगर छन्नी से नहीं छानना चाह रहे हैं तो आप इसके लिए जो आटा चलने वाली छलनी आती है ना, उससे छान लीजिए। तो हम तो यहाँ पर आटा चलने वाली छलनी से ही छान रहे हैं। इसमें इकट्ठे डाल दीजिए, और बड़ा सा रहता है नीचे, बड़ा सा बर्तन रखिए, छोटा बर्तन नीचे ना रखिए, क्योंकि अगर छोटा बर्तन निकालेंगे रखेंगे तो हमारा जो पेस्ट होगा वो सारा नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए अगर हम बड़ा सा बर्तन रखेंगे तो ये देखिए, अब हमें पानी डालते हुए इसी पेस्ट को अच्छे से हमें छान लेना है। चम्मच की सहायता से या हाथ से ही इसको हमें छान लेना है। तो देखिए, बहुत ही आसानी से बन करके तैयार होने वाला है ये पापड़, सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो यहाँ पे सारा पेस्ट हमें ऐसे ही छान लेना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर हम इसको छान लेंगे बहुत आसानी से। और ये जो बड़े बड़े वाले टुकड़े आलू रह गए थे तो ये बचे हैं, तो आप इसको फेंकिए मत, आप इसको अपने गुलाब की क्यारी में या किसी भी पौधे की क्यारी में डाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हमारा ये जो पेस्ट है कितने अच्छे से छन करके तैयार हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो फ्रेंड्स, आप इसको छान करके फिर फटाफट से बना लीजिए पापड़ को। तो यहाँ पर हमने देखिए पानी डाल दिया है, फटाफट से हमें इसको बना लेना है। ज़्यादा टाइम तक रखेंगे अगर हम इसको तो काला पड़ जाएगा, हमारा जो ये जो हमने पेस्ट तैयार किया है वो काला पड़ जाएगा। तो इसीलिए हमें ज़्यादा टाइम तक रखना नहीं है। और अब हम चल रहे हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हम रख देंगे कढ़ाई, कढ़ाई जो हमारी गर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी हम पानी और डाल देंगे थोड़ा सा। तो ये देखिए, हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, कढ़ाई हमने पहले से ही रख दिया था। और अब हम इसमें डालेंगे पेस्ट। तो ये जो हमने पेस्ट बना करके रखा है ना आलू का, तो इसको हम छान करके दिखा रहे हैं आपको कटोरी से नाप करके। तो यहाँ पर देखिए, हम जो लिए हैं 3 कटोरी है ये, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके वही वाला और अच्छे से हम डाल देंगे। तो ये देखिए, हम इसको चलाते रहना है हमें। देखिए, थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है ये हमारा पेस्ट। लगभग 10 मिनट तक हमें इसको लगातार चलाते रहना है, गैस का फ्लेम हाई करके ही चलाना है हमें, छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे ना तो ये जो आलू होता है उसके नीचे का वो बैठ जाता है, जम जाता है। तो इसीलिए
सही नहीं रहता, तो जब हम लगातार चलाते रहेंगे तो हमारा ये एकदम बराबर से रहेगा, इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। तो देखिए हमारा जो पेस्ट है थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है। लगातार हमें चलाते रहना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पेस्ट जो है गाढ़ा लगने लगा है कुछ। गैस का फ्लेम हाई करके ही चलाएं। तो देखिए अभी ये हमारा पापड़ डालने लायक सेट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर हम कलछी इस पर उंगली लगाते हैं ना तो ये निशान अच्छे से बनता नहीं है, मिक्स हो जाता, मिल जाता है उसी में। तो इसीलिए हमें ये अभी और चलाना है, गाढ़ा करना है हमें इसको, और साइड से चलाते हुए ही चलाना है, लगातार चलाना है, छोड़ना नहीं है। तो देखिए हमारा जो पेस्ट है वो लगभग गाढ़ा होने लगा है। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करिएगा। तो अब हम इसमें डालने हैं थोड़ा सा फूड कलर। आप फूड कलर डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें, ऐसे ही बना सकते हैं। तो थोड़ा सा हमने डाला, बहुत थोड़ा सा ही, इसीलिए इसमें थोड़ा सा हम और डालेंगे फूड कलर। तो ये देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा फूड कलर और डाल दिया है, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करते हुए पकाएंगे। फ्रेंड्स इतना पतला ये बनता है, इतने पानी से भी पतला ये बनकर के तैयार होता है, इतना पतला पापड़ बनेगा और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर देखिए हमें एक प्लेट में ऐसे निकाल करके देखना है, अगर ये साइड से बह रहा है तो ये हमारा अभी तैयार नहीं हुआ है पेस्ट इसका पापड़ का। तो देखिए अभी नहीं तैयार हुआ है, इसको हमें लगातार चलाते रहना है अभी और लगभग 2 से 3 मिनट तक हम इसको और चलाएंगे। तो होली आ रहा है फ्रेंड्स, होली में बनाइए पापड़, कचरी, कुरकुरे, आप इससे जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं इसी पेस्ट से। तो यहाँ पर देखिए हमने उसको उतार लिया था, ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद अब हमने एक पॉलीथीन ले लिया है और उसी पे हमने बड़ी सी प्लास्टिक वाली सीट है, ये आप किसी भी चीज़ पे फैला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए उसमें रिफाइंड ऑयल लगा लिया है, और उसके ऊपर अब हम थोड़ा थोड़ा सा ले करके इसको हम फैलाते जाएंगे। आप जितना बड़ा बनाना चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं, या जितना छोटा बनाना चाहे उतना छोटा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको पंखे के नीचे सुखाइए, बड़े आराम से सूख जाता है। धूप में सुखाने पे तो इस समय इतनी धूल मिट्टी पड़ रही है, और अगर कमरे के अंदर आपके यहाँ धूप आती है तो आप इसको कमरे के अंदर भी सुखा सकते हैं धूप में। तो यहाँ पर देखिए हम सारे पापड़ को डाल देंगे। बहुत आसानी से बन करके तैयार हो जाता फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमें सारा पापड़ ऐसे ही डालते जाना है, छोटा बड़ा आप जैसा बनाना चाहेंगे उस तरह से आप बना सकते। ये देखिए हमने पापड़ तो बना लिया है, और अब हम इसको सुखा भी, ये देखिए हम इसको सुखा करके दिखा रहे हैं, कितना हल्का पतला पतला हमारा ये आलू का पापड़ बन करके तैयार हुआ है। कोई कहेगा ही नहीं कि ये आपने आलू से बनाया है, इतना अच्छा लग रहा है खाने में, इतना टेस्टी लगता है, और कितना हल्का पतला पतला सा बनता है। वैसे क्या होता है आलू के पापड़ हमारे थोड़े से मोटे बनते हैं, इतने पतले नहीं बनते हैं अगर हम उबाल करके बेल करके बनाते हैं। तो अभी हम आपको इसको फ्राई करके भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने गैस पर रख दिया तेल, तेल हमारा गर्म हो चुका है, और जब गर्म हो जाएगा तब हम डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कम ही गर्म हुआ था तेल हमारा, क्योंकि अभी हमने जो पापड़ डाला है ना वो बहुत अच्छे से नहीं फ्राई हो रहा है, तो इसीलिए जब तेल गर्म हो जाए अच्छे से तभी फ्राई करें। तो ये देखिए हम अभी दूसरा डाल करके दिखा रहे हैं आपको। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल के लिए अगर आप न्यू होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो लेकर के आऊँ तो नोटिफिकेशन तब सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से हमारा ये पापड़ फ्राई होकर तैयार हो जा रहा है 5 से 10 मिनट में। फ्रेंड्स ये पापड़ आप बनाना चाहेंगे ना तो 10 से 15 मिनट में आराम से बना सकते हैं, और एक रात में ही अच्छे से फैन चला दीजिए फुल फैन करके, तो अच्छे से सूख जाता है। सुबह अपना फ्राई करके खाइए, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने बनाया आलू का पापड़। इतनी आसानी से झटपट से बन करके तैयार होने वाला ये पापड़ सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो इस होली पर आप किस तरह से बना रहे हैं
कमेंट करिएगा, और आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट करिएगा, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है ये भी कमेंट करिएगा, और फ्रेंड्स मैं आपके लिए कौन सा वीडियो लेकर के आऊँ ये भी कमेंट करिएगा और सपोर्ट करिएगा। तो देखिए हमारा तो ये आलू का पापड़ बन करके तैयार हो गया है, तो आप इसको देखिए कितना हल्का बना है, कितना क्रिस्पी बना है हमारा ये पापड़। तो हमने तो यहाँ पर चाय के साथ पापड़ को लेकर के तैयार हैं खाने के लिए। आप लोग कब बना रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। हम आपको फिर मिलेंगे न्यू वीडियो पे। थैंक यू।